जमीन जमीन और जमीन, एक के बाद एक कई जमीन घोटाले सामने आया है, तो कई जमीन पर अवैध कब्जा का मामला प्रकाश में आया है। बलियापुर के बेलगड़िया स्थित बेलगड़िया मौजा में बीसीसीएल के द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 1987 में 387.79 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया गया था, जिसमें मुकुंदा परियोजना का ओबी डंप के लिए जमीन चयन किया गया था। लेकिन इस जमीन पर अब अस्पताल निर्माण का कार्य शुरू करने की बात सामने आ रही है। इसमें कुल 200 लोगों का जमीन था, जिसमें से 129 लोगों को जमीन के आवाज पर में मुआवजा और नियोजन मिल चुका है। अब भी 71 लोग बाकी हैं। बिना इन लोगों को मुआवजा और नियोजन दिए अब बीसीसीएल और जरेडा जमीन को अधिग्रहित कर कार्य शुरू कर रही है, जिसको आज ग्रामीणों ने रोक दिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की भी तैनाती की गई, दो दो मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हुए। इसके बाबूजी रैयत अपनी जायज मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं। अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बसाने के लिए मास्टर प्लान के तहत जरेडा को यह जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जरेडा कि माने तो बीसीसीएल ये जमीन बहुत पहले अधिग्रहित की थी। इससे पूर्व धनबाद के डीसी उमाशंकर सिंह ने ये जमीन को देखकर इस पर 50 बेड का अस्पताल और मिडिल और हाई स्कूल बनाने के लिए ये जमीन बताया था। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़ा मामला सीओ देखते हैं और सीओ के द्वारा मांगे गए दस्तावेज को देने के बाद ही सीओ ने ये क्लियरेंस दिया था कि इस जमीन पर कार्य शुरू किया जाए। बेलगड़िया के लोगों को जो हमारे जो नन एलपीएच है ना, उनको बसाने के लिए यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण किया गया था। बहुत पहले किया गया, अभी 86-87 में ही किया गया है, और यही नहीं किया गया है, 952 एकड़ ज़मीन किया गया था फर्स्ट फेज में। तो अभी पूर्व डीसी आए थे उमाशंकर सिंह, वो देखे घूमे, बोले कि मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। बेलगड़िया के लोगों को 4-5 हज़ार लोग बसाए हैं, उसके लिए हॉस्पिटल वो खुद से सीओ साहब और यहाँ के हमारे भू संपदा पदाधिकारी कोयला भवन से संपर्क करके, चूंकि वो देखे कि कौन कौन सी ज़मीन है और कितनी ज़मीन है, रोड साइड ज़मीन है, तो इसका चयन वो खुद से किए। लेकिन इस जमीन जो कागज़ बोला वो कागज़ सीओ साहब के यहाँ चला गया। सीओ साहब के यहाँ से क्लियर हो गया है कि नहीं आप काम कर सकते, मतलब यहाँ अस्पताल सीओ, हाँ अस्पताल बनने के लिए स्कूल, अगर इन लोग का कोई भी ऑब्जेक्शन है तो सीओ से बात कर रहे, सीओ बोले आके इन लोग के पास पेपर है कि जमीन, हाँ तो सीओ जमीन कौन देखता है, जमीन सीओ देखते हैं ना, जमीन सीओ देखते हैं, कोई भी एलए हो, रैयत की जमीन हो, सरकारी जमीन हो, जीएम लैंड, सारा जमीन सीओ देखते हैं। तो रिपोर्टिंग सीओ ही किया था। हाँ, रिपोर्ट सीओ किया, सीओ साहब को बुला के उनसे अगर जरेडा वो है, जरेडा और बीसीसीएल प्रबंधन के विरोध में जो है आज हम लोग यहाँ ग्रामीण सब इकट्ठा हुए हैं, उनकी जो मनमानी चल रही है ये कतई जो है बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कल भी इन्होंने फोर्स ला करके इसमें एक कब्जा करने की कोशिश किया, जिसके तहत हम लोग ग्रामीण का टीम बना करके हम लोग जो है डीसी साहब से मिले। डीसी साहब ने हम लोग को पूर्ण आश्वासन दिए हैं कि जब तक आपका अधिग्रहण का जो भी नियम कानून है वो पूरा जब तक नहीं होगा तब तक आपका जो है ज़मीन जो है नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज फिर जो है, कल हम लोग डीसी साहब से आश्वासन मिला और आज देखते हैं फिर फोर्स लेकर के सारे लोग चले आए हैं, ये क्या मतलब हुआ ये हम। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़ रेलवे गेट नंबर 1 धनबाद, मोबाइल नंबर 7004067520।